नहीं व्यक्त कर सकता कि मैं 25-30 साल से वहां जा रहा हूं। मुझे वहां सिर्फ एक चंद फायदे के लिए, क्या हम अपने भाई के पैर नहीं छूते? क्या उनकी इज्जत नहीं करते? क्या मां को ही मार दिया गया, अपने भाई को लगाड़ के निकाल दिया गया, फंसाने की कोशिश की जा रही है? वो अरेस्ट किया गया, जो आदमी यहाँ को अरेस्ट किया गया, ठीक है, अरेस्ट किया गया, सब पर अरेस्ट किया। प्रोग्राम टेस्ट शायद आप लोग जानते होंगे सभी लोग, मेरी मर्जी होगी तो प्रोग्राम टेस्ट करा सकती है पुलिस या जो भी एजेंसी जांच कर रही है। उससे क्वेश्चन किया जाएगा, मैं बोलूंगा। उस परमिंदर सिंह का, मम्मी का, तो सत्यता बताना चाह रहा हूँ। आपको डरने लगे जगह था नहीं अंदर जाने। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं जांच एजेंसी, उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट में 10 क्वेश्चन किए, जिसमें से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत दुख के। हम ये नहीं कहते कि ये खराब है या जो आएगा हो सकता है वो होती और खराब हो, तो कम से कम देख लिया जाए। प्रार्थना हमारी यही है कि माता बार बार यहाँ ना आना पड़े। जो बोले आज नामधारी संगत बड़े दुखद हृदय के साथ यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठी हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मांग पत्र देने के लिए, मेमोरेंडम देने के लिए कि हमारी पूज्य माता जी श्री चंदकौर जी, जिनको 3.5 वर्ष हो गए कत्ल हुए को, लेकिन अभी तक कत्ल का कोई सुराग नहीं मिला। ये सीधे से बात कही है कि एजेंसी पर ये सवाल उठता है कि हमारी सिरमौर एजेंसी है CBI, 3.5 साल में वो एक 4 द्वारी के अंदर, श्री बहनी साहब इतनी सिक्योरिटी है, 50-60 आदमी सिक्योरिटी हैं, 2-2.5 हज़ार आदमी वैसे वहाँ रहता है डेरे में, और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद माता जी का दिन में कत्ल होता है। रात में हो तो उसमें सस्पेंस होता है कि रात में ना जाने कौन कत्ल कर गया, लेकिन कहाँ से वह कत्ल आए। जिस जगह पर माता चंदकौर जी की देवरानी हमारी सत्कार योग बेबे दलीप कौर जी उस स्थान पर नहीं जा सकती थी, वहाँ कातल कैसे आ गए? और मैं आज यहाँ जंतर मंत्र पर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको बेनती करूँगा कि जैसे वो अपनी माता का सत्कार करते हैं, शास्त्र में लिखा है कि 4 प्रकार की माता जो एक समान होती हैं, राजे की माता, गुरु माता, मित्र की माता, और चौथी होती है अपनी माता, ये चारों को बराबर दर्जा दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी को इतने व्यस्त समय में, अपनी माता को नंदी बेन शायद उनका नाम है, उनको मिलने जाते हैं, जैसे वो सत्कार करते हैं, हम भी जितने नामधारी यहाँ आए हैं और हजारा नामधारी हमारे घर में बैठे हैं, वो सारे माता चंदकौर जी को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं और नमन करते हैं, और हम चाहते हैं के प्रधानमंत्री जी जरूर हमारे इस शांतमयी मार्च पर गौर करेंगे और जल्द से जल्द कातलों तक पहुंच के वो कातल जो हैं सलाखों के पीछे होने चाहिए। यही मेरे आज के दिन प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर साहब को बेनती है। ये हादसा 4 अप्रैल 2016 को सुबह 10 बजे के करीब गुरुद्वारा बहनी साहब लुधियाना में हुआ।
जब हमारे पूज्य गुरु माता माता चंद कौर जी को दो गोलियां बड़ी नज़दीक से मारी गई। बात यह सोचने वाली है कि जो दो गोलियां उनको मारी गई वो उनके शरीर में से आर पार हो गई जिस तरफ ड्राइवर बैठा था। और आश्चर्य की बात सबसे बड़ी ये है कि ड्राइवर को एक भी गोली नहीं लगी। और आज तक किसी भी जांच एजेंसी ने, चाहे वह पंजाब पुलिस है या CBI, किसी ने भी वहाँ के जो उस वक्त व्यक्ति मौजूद थे माताजी के पास, उनमें से किसी को भी गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ नहीं की है। जबकि हमारे जो हैं कितने ही निर्दोष नामधारियों को बेकार में ही परेशान किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, किस तरीके वैसे तो हमारे भारत देश में CBI से ऊपर कोई जांच एजेंसी है नहीं, पर 3.5 वर्ष के ऊपर बीत जाने के बाद भी अगर जहां पर जिस जगह पर कत्ल होते हैं तो जिम्मेवारी वहां के प्रबंधकों की और वहां के मालिक की होती है, क्योंकि वहां पर हर वक्त 50 से 60 व्यक्ति, हथियारबंद व्यक्ति सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद 3.5 साल के बीत जाने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों ने वहाँ के एक भी आदमी को पकड़ने में कामयाबी प्राप्त नहीं की है। तो इसी कारण ये उन पर संदेह जाता है और ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये जांच एजेंसियाँ उन गुरुद्वारे वालों को बचाने में जुटी हुई हैं। नवतेज सिंह।